Known yoga teacher with over 23 years of teaching experience, he has been a disciple of His Holiness Acharya Rupchandji Maharaj for the last 23 years, from whom he learned all the facets of yoga. His knowledge of Ayurveda and yoga ranges wide and deep, from Panchkarma, naturopathy, and reflexology to other alternative therapies. From yoga improvement programs in USA, Canada, Denmark, Sweden, and more, to yoga meditation programs for the Indian Army, Yogi Arun has taken yoga across the globe to help improve the lives of thousands of people. Yogi Ji has created Brahm Kriya, a special yogic kriya to be practiced for 3 minutes and 15 seconds. He has been honored by many national and international organizations for his outstanding public service and yoga programs. So we are very blessed to have him with us today. And a very, very warm welcome, Yogi Ji. Namaste. We are very happy to have you. Ji, namaste. Namaste. Aap shuru kar sakte hain. Haan ji. Ji, video on kar dijiye. Main bas sabse ye request karti hoon. I request all the audience to keep your questions for later, once the session with Yogi Ji is over. And please put your questions in the Q&A box. Chat box mein pata nahi chalta. We don't get to know about the questions in the chat box. So please put your questions in the Q&A box. Thank you. Yogi Ji, shuru kariye. Thank you. Yes, thank you so much. Aur sabhi ka swagat hai. Hum aaj karenge sinus ke liye, lungs ke liye, knee ke liye, stress. कैसे हम कम करें, कैसे स्ट्रेस अपने अपने को अपना स्ट्रेस कैसे घटाएं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइनस के लिए. साइनस हमारा क्लीन कैसे हो. साइनस एक ऐसी समस्या है जो ठीक नहीं होती है, बार बार आ जाती है. हमें ऐसे लोग मिलते रहे हैं टाइम टू टाइम जो एक बार साइनस का सर्जरी उन्होंने कराया, फिर से साइनस हो गया. दो तीन साल चार साल के बाद फिर वही मिले, योगी जी मैंने साइनस की सर्जरी कराई थी, दोबारा हो गया. यानी बार बार सर्जरी कराना और फिर साइनस का ना ठीक होना, तो सर्जरी समाधान नहीं है. अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल बदलना ही समाधान है. दूसरी सबसे बड़ी बात है, योग के साथ चलिए, योग के साथ रहिए. उसके लिए मैं साइनस की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ये कोई कर सकता है, अगर किसी को बीपी की समस्या है वो भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे योग, बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हाई बीपी रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, या स्लिप डिस्क हुआ है. ऐसी समस्याओं वाले व्यक्ति को बहुत चीजें नहीं करनी चाहिए. लेकिन एक मैं जो क्रिया आपको बताने जा रहा हूं, एक क्रिया कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है, बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि कफ कोल्ड बच्चों को बहुत होता है, नाक भरा रहता है, जुखाम निकलता रहता है, साइनस गिरता रहता है. ऐसी स्थिति में बच्चों को भी कराएं. जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हमारे क्लास में भी बैठे हैं, सब लोग तो करें ही करें, और अपने परिवार में भी इसको सिखा सकते हैं. इसके लिए कोई टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. नीचे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, बस खाली पेट होना अनिवार्य है. यानी आधा घंटा भी अगर आपका खाली पेट है इस क्रिया में, बाकी आसनों में 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें आधा घंटा भी अगर गैप हो तो आप कर सकते हैं. मुट्ठी बंधी हुई होनी चाहिए इस तरह से, कमर सीधी हो. जो भी हमारे साथ बैठे हैं, एक बार पहले देखें, फिर हमारे साथ कर सकते हैं. इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैट और पानी लेकर के आएंगे, हमारे साथ करेंगे. जब हम साथ में करते हैं, योग सुनने का विषय नहीं है, लेक्चर सुनने का विषय नहीं है, हमारे साथ करने का विषय है. फिर शरीर पर उसका इफेक्ट देखिए, कहीं आपको ठीक ना लगे आप सवाल पूछ सकते हैं. तो मुट्ठी बंधी हुई हो इस तरह से, लंबी सांस भरते हुए मुट्ठी खोलना है
और मुट्ठी बंद करते हुए छींकना है पूरी ताकत के साथ, सांस 2 सेकंड रोकना है, 1 2 छींकना है, छींकने के बाद 3 सेकंड रुकना है, मैं काउंटिंग के साथ बताता हूं आपको, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 इस तरह से करना है, यानी सांस भरना है, 2 सेकंड रुकना है, स्नीज करने के बाद, स्नीज करते समय मुट्ठी बंद हो जाएगी, स्नीज करने के बाद 3 सेकंड विदाउट ब्रेथ रुकना है, यानी 5 सेकंड का होल्ड हुआ, इनहेल करके 2 सेकंड का होल्ड, स्नीज करके 3 सेकंड का होल्ड, 5 सेकंड का होल्ड हुआ, इनहेल करने के टाइम आपको लगेगा समय 1.5 सेकंड और स्नीज करने में आपको 0.5 सेकंड लगेगा, यानी 2 सेकंड की ब्रीदिंग होगी, 5 सेकंड का होल्ड होगा, टोटल 7 सेकंड ईच ब्रीदिंग लगेगी आपको, 7 सेकंड ईच ब्रीदिंग। तो आपको अगर 10 बार आप करेंगे तो 1 मिनट 10 सेकंड मात्र लगेगा, 1 मिनट 10 सेकंड में आप 10 बार कर सकते हैं। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ 10 बार करें और आपकी आंखें खुली होनी चाहिए जिससे मुझे आप देख सकें। जब अकेले में आप करेंगे तब आपकी आंख बंद होगी, लेकिन अभी मेरे को देखते हुए, मेरे को फॉलो करते हुए आप करें। मुट्ठी बंद हो, कमर सीधी हो, लंबी सांस भरें, होल्ड, 1 2 1 2 3 एक, 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 5 पूरी ताकत के साथ स्नीज करना है, सारी गंदगी निकाल देनी है, भरिए सांस, 1 2 1 2 3 5 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2 3 7 1 2 1 2 3 8 1 2 1 2 3 9 1 2 1 2 3 10। ये बताने में मेरे साथ कन्वर्सेशन के समय थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन आपको लगेगा ईच ब्रेथ 7 सेकंड, टोटल 10 टाइम करेंगे, 1 मिनट 10 सेकंड ओनली। ये हमारी ब्रह्म क्रिया का पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, हमारी जो ब्रह्म क्रिया है उसका पार्ट नंबर 4 है। इस साइनस के लिए बहुत अच्छा है, साइनस के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। 10 बार करते ही आपको करना क्या है, पैर को ऐसे खोल लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से फैला लीजिए, आंखें बंद हों, 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, इस तरह से सांस भरें, 2 सेकंड के लिए रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, छोड़ते समय आपको डबल टाइम लेना है, ध्यान नाभि पर लगाना है, 1 बार और कीजिए, सांस भी भरिए, रोकिए, 1 2 धीरे धीरे छोड़िए, स्लोली स्लोली एक्सहेल, पेट अंदर जाते हुए देखिए, पेट अंदर जाते हुए, इस तरह से 3 बार हमारा हुआ। हमारी ब्रह्म क्रिया का जो हमने पार्ट 4 किया, स्निजिंग एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को आप 3 से 5 बार रिपीट करें, यानी 1 मिनट 10 सेकंड 1 बार,
1 मिनट 10 सेकंड दो बार ऐसे करना है, एक बार हम और करें जिससे आपको परफेक्शन हो जाए। ध्यान से देखिए, इस बार मैं काउंटिंग नहीं करूंगा 1, 2 और 3 का, मैं सिर्फ 10 काउंट करूंगा ईच ब्रेथ का। 1, 2 नहीं गिनूंगा। फिर से ध्यान से देखिए, 1, 2 मेरे साथ करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 करते ही पैर आपका फैल जाएगा, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथ इस तरह से, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ 2 सेकंड एंड देन स्लोली स्लोली एक्सहेल, धीरे धीरे छोड़िए, पेट पूरा अंदर चला गया, लंग्स खाली, देन अगेन इनहेल, होल्ड 1, 2 स्लोली स्लोली एक्सहेल, इनहेल, होल्ड 1, 2 एक्सहेल स्लोली स्लोली, तीन बार करने के बाद आप रेडी हैं चौथे बार के लिए, तीसरी बार के लिए। तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मैक्सिमम 5 टाइम कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार करिए, कीजिए। जैसे सवेरे आप उठते ही एक बार कर लिया, दिन में लंच से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले कर लिया, शाम को सोने से पहले कर लिया, सब साइनस निकल जाएगा। और बेड पे कर सकते हो, सवेरे जैसे उठते हो आंख खुलती है, बेड पे ही कर लीजिए, पूरी गंदगी जो पूरे दिन आप लेकर के घूमोगे और सवेरे ही क्लींजिंग कर दिया, सफाई कर दिया, डिटॉक्स कर दिया, कुछ बचेगा नहीं, सब साफ हो जाएगा, पूरा दिन इतना अच्छा बीतेगा, प्रदूषण से आप अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, इससे लंग्स भी क्लीन होता है। आप देख रहे थे किस तरह से लंग्स की एक्सरसाइज हो रही थी, ऐसी आवाज इंजन की तरह, आपका लंग्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं आप। इसमें एक बहुत विशेष सावधानी रखनी है कि आप गलती इसमें कहां करोगे, वो मैं दिखाना चाहता हूं। आपको कोई भी योगा गुरु योग बताएगा, सब बताएगा, गलतियां नहीं बताएगा, वो गलतियां और भूल हमारे लिए घातक बनती है, क्योंकि आप जब योग सीखते हैं, हमारा कर्तव्य है कि वहां उसमें क्या क्या कमी करेंगे वो बताना मेरा काम है। मैं बताना चाहूंगा इसमें गलती क्या होगी, क्योंकि योग बड़ा लंबा विषय है, नहीं कि बस 3 सेकंड में सीखा, 1 सेकंड में सीखा, 1 मिनट 10 सेकंड में सीखा, ट्रेंड हो गए, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पहली गलती क्या होगी, आप ध्यान से देखिए, आप हाथ का मूवमेंट करने लगेंगे ऐसे, गर्दन का भी मूवमेंट करोगे आप ऐसे, क्योंकि ब्रीदिंग के साथ अपनी बॉडी को चलाओगे। तीसरी गलती देखिए, ये सब गलतियां आप करोगे और इन गलतियों से परिणाम नहीं ठीक आएंगे। और गलती क्या करोगे, शकल बनाने लगोगे, क्योंकि आपको पता आपकी शकल कोई देख नहीं रहा है, जब आप करोगे तो ऐसे करोगे, पूरा ताकत यहां लगाओगे, पूरी ताकत बॉडी पे लगाओगे, ऐसे नहीं करना, पूरी ताकत अपनी ब्रीदिंग पर और अपनी अपनी मुट्ठी पर लगाना है, इस तरह से ध्यान से देखिए, 1, 2 शरीर तो हिला ही नहीं, पूरी ताकत हमने यहां लगाई, इस तरह से चेहरे पर कोई आप चेंज नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा शक्ल नहीं बनी, ऐसा मैंने नहीं किया, तो
तो आप चेहरे का भाव एकदम नॉर्मल होना चाहिए मुस्कुराहट के साथ। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाथ यहां नहीं रखिएगा, हाथ को अपने आर्म्स को चेस्ट के ऊपर रखना है, या ऐसे नहीं रखिएगा इस तरह से। तो मैं दो बार फिर से दिखाऊंगा, फाइनल राउंड करेक्शन के बाद ऐसी आवाज आपकी होगी, इस तरह से करेंगे साइनस क्लीन हो जाएगा, लंग्स क्लीन हो जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपकी जी कोई सवाल अगर लेना हो तो इसके लिए जो हमने साइनस के लिए बताया आप सवाल ले सकती हैं, नहीं तो मैं लंग्स के लिए आगे बढ़ता हूं। योगी जी, अभी तो बस एक ही सवाल आया है इस बारे में कि हिंदी में साइनस को क्या कहते हैं। साइनस को नासीर बोलते हैं, या हमारा जो श्वसन साइनस को इस तरह से आप बोल सकते हैं, नाक का जाम हो जाना। और इंग्लिश में सबको पता ही है हमारा पूरा साइनस एरिया जो है इसमें म्यूकस जम जाता है और धीरे धीरे पोर बनने लगते हैं, उस कारण से सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। उस गंदगी और उस म्यूकस की सफाई कर देना जैसे मैंने दिखाया, वही साइनस का उपचार है, बाकी साइनस का कोई उपचार नहीं है। बचाव में हमें क्या करना है, नंगे पांव, जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा होगा, उनको नंगे पांव नहीं घूमना है। क्या होता है, सवेरे उठते हैं एसी चला के सोते हैं, बेड के अंदर बिस्तर के अंदर टेम्परेचर एकदम गरम गरम पैर रहता है, जैसे फर्श के ऊपर पैर रखेंगे तो ठंडा, गरम पैर ठंडे पर फर्श पे पड़ता है। बाथरूम में जाते हैं वहां भी ठंडा, बेड से उठते ही नींद में भागते हैं बाथरूम में, तो ठंडा गरम होता है। और नाक का जाम होना हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं आप। एक और है क्वेश्चन कि क्या ये एक्सरसाइज हम माइग्रेन के लिए कर सकते हैं। ये माइग्रेन के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपकी नसों, जो ब्रेन की जितनी नसें उनकी उनमें अवरोध को खत्म करता है, जो सर्कुलेशन रुक जाती है उसको ठीक करता है। और माइग्रेन वालों को क्या होता है कि गैस और एसिडिटी जब हाइपर हो जाता है तो माइग्रेन होता है, हमारी गैस सिर के ऊपर दबाव बनाती है, हमारे नसों में प्रेशर बनाती है, इसलिए माइग्रेन होता है। धूप से बचना चाहिए उनको, एकदम माइग्रेन के लिए रामबाण है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जब ये हम करते हैं तो कॉफिंग होती है, खांसी आती है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया, ये मैं बताने वाला था, ये जोड़ने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया। यहाँ एक गलती होती है, देखिए मेरे सेशन में आप, मैं गलती ही निकालूंगा, हर जगह मैं गलती निकालूंगा, तभी आप अकेले में सारी गलतियों को छांट करके योग कर सकेंगे। इसमें क्या गलती होती है आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, कितना चाहे कफिंग भी हो रही है किसी को, वो भी कर सकता है, कफिंग नहीं होगा। उसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूं मैं, देखिए यहां पर मैं एकदम नॉस्ट्रिल से कर रहा हूं और पूरी ताकत उंगलियों पे लगा रहा हूं। गलती क्या होगी वो देखिए, यहां प्रेशर दिया हमने, ऐसे होने लगता है, जैसे प्रेशर यहां आया खांसी चालू। एक कॉमन गलती होती है, इस गलती के कारण, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं योग में जैसे गलती करोगे वैसे दुष्परिणाम आएगा, और जिंदगी भर योग करते रहोगे तो योग से कुछ नहीं होता, फिर कहां से ठीक होगा। बिल्कुल। और कोई सवाल, ये आगे बढ़ू? आगे बढ़िए योगी जी, हम ऐसे सेशन आप रखते रहिए, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। बटरफ्लाई आयुर्वेदा इतना अच्छा किया है, और मैं अपने इतने इतने मेरे रोज के कार्यक्रम है उसमें से मैं पहले तैयारी किया था कि नहीं आपके लिए प्रोग्राम करना है, और मुझे खुशी है जो लोग सीख रहे हैं वो अपनी योग में बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन अगर परिणाम नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो समझ ले कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है, उस चूक को ठीक कीजिए और बटरफ्लाई आयुर्वेदा के साथ जुड़े रहिए। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, आपको बताता रहूंगा। थैंक यू योगी जी, शुरू करते हैं जी। अगला 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 हमारा है लंग्स। ये अभ्यास लंग्स में बहुत अच्छा काम करता है जो मैंने बताया आपको, लेकिन
दूसरा अभ्यास इसी का मैं एडवांस लेवल अगर लूंगा तो लंग्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी को सर्जरी वगैरह हुई है उनको नहीं करना है। जैसे हार्ट की सर्जरी हुई है, स्टंट डाला हुआ है तो कर सकते हैं, ओपन हार्ट हुआ है या और कोई समस्या क्लॉट वगैरह है ब्रेन में, उनको नहीं करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। इसमें हमें रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है, वही क्रिया है, सेम क्रिया है। इसको हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब देखिए भस्त्रिका प्राणायाम में और जो मैंने अभी साइनस के लिए बताया उसमें जमीन आसमान का क्या फर्क है अभी आपको सामने पता चल जाएगा। आपको ऐसे सीधा रखना है, हाथ का प्रयोग करना है इसमें, जब अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाए, धीरे धीरे रिदम बन जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद बिना हाथ के करना है, अभी हाथ को रखना है सपोर्ट के लिए। तो ध्यान से देखें, कमर सीधी होनी चाहिए, लंबी सांस भरना और स्नीज करना, लंबी सांस भरना स्नीज करना, या मैं 5 सेकंड होल्ड नहीं कर रहा हूं, ये अंतर है बहुत बड़ा। लिया 2 सेकंड रोका था, स्नीच किया 3 सेकंड रोका था, जो पहले हमने किया वो कोई कर सकता है, अगर इंजरी भी हुई है, ब्रेन क्लॉट भी है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि 5 सेकंड का ब्रेक आपको नॉर्मल कर देता है। इसमें ब्रेक नहीं करना है, ये लंग्स के लिए रामबाण है, लंग्स की बेस्ट एक्सरसाइज, लंग्स को इंजन की तरह कर देगा। और आज जो कोरोना की समस्या आ रही है, साइनस क्लीन हो गया, डिटॉक्स हुए आप, लंग्स की इतनी अच्छी एक्सरसाइज मिली, आपका इम्यून पावर बहुत डेवलप हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मेरे साथ कर भी सकते हैं, लंबी सांस लिया, स्नीच किया, और पैर फैला लीजिए। इसमें हल्का सा चक्कर आया होगा, देखिए मैं पहले बता रहा हूं इसमें क्या आपको साइन मिला होगा, वो मैं पहले बता रहा हूं। पैर फैला लीजिए, दोनों पैरों के बीच में गैप और हाथ पीछे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, इनहेल, धीरे धीरे छोड़िए, इनहेल, यहां 5 बार करना है, इनहेल, इनहेल, इनहेल। इसके बाद आप पैर मोड़ लीजिए, सेकंड राउंड के लिए रेडी है। लेकिन इसमें हम कमियां क्या करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कमियां क्या करते हैं। जैसे हमने ब्रह्म क्रिया के पार्ट 4 एक्सरसाइज बताया साइनस वाला, उसमें हम क्या कमी कर रहे थे वो मैंने बताया आपको, इसमें क्या कमी करते हैं, वही कमी, पूरी ताकत के साथ करना, माने बॉडी के ऊपर ताकत लगाना, यहां नाक के ऊपर लगाना है और उंगलियों के साथ चलना है, उंगली और ब्रीदिंग का रिदम होना चाहिए इस तरह से, गले से आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर खांसी आएगी, और शरीर पे ताकत नहीं लगानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको स्पीड का ध्यान रखना है, जल्दी इतनी मत करना, ये भी भस्त्रिका है। भस्त्रिका 3 तरह की होती है, भस्त्रिका प्राणायाम, सहज भस्त्रिका प्राणायाम और तीव्र भस्त्रिका प्राणायाम। जो मैंने आज कराया भी आपको, इस सहज भस्त्रिका प्राणायाम है, यानी
एक सेकंड में ब्रीदिंग लेना और एक सेकंड में छोड़ना, एक सेकंड में इनहेल, एक सेकंड में एक्जेल, इनहेल और एक्जेलेशन का टाइम इक्वल होगा, और जो बीच वाला है भस्त्रिका वो आधे सेकंड में करना है, आधे सेकंड में इनहेल, आधे सेकंड में एक्जेल, और जो तीव्र वाला है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जिसको हाई बीपी भी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। यानी इस स्पीड को ज्यादातर यही होता है, मैं देखता हूं यही वाली स्पीड करते हैं लोग, और कंधा तो उनका ऐसा उछलता है और शरीर ऐसे होता है, आधे लोग तो लगता है वो कपालभाति कर रहे हैं, सब उल्टा सुलटा करते हैं। तो इसलिए आपको जो मैंने आपको बताया एक सेकंड वाला वही आपको करना है। दूसरा इसलिए बताया कभी भ्रम में ना आए आप, वो करना है, वो एडवांस लेवल है, वो आम आदमी के लिए नहीं है, और हम आम आदमी कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो 10 बार करने के बाद आपको रिलैक्स करना है, यानी 10 ब्रेथ कीजिए, और धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको हाथ का प्रयोग नहीं करना है प्राणायाम में, भस्त्रिका में हाथ का प्रयोग नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग का प्रयोग होना चाहिए, सांसों का प्रयोग होना चाहिए, ब्रेथ का प्रयोग होना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। एक बार पुनः देखिए, ध्यान से देखिए, आपके मन में कोई सवाल होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे इस तरह से। इस तरह से अगर मैं हाथ हटा दिया तो कोई मेरे रिदम में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे कोई स्ट्रेंथ में नहीं चेंज हुआ, मेरे कोई स्पीड में फर्क नहीं आया। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके फायदे सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं है, लंग्स को क्लीन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घटता है, ऑक्सीजन बढ़ता है जब आप छींकते हैं, स्नीज करते हैं, ये भी साइनस के लिए बहुत अच्छा है। जब हम स्नीज करते हैं, निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा कार्बन की सफाई हो जाती है, इसीलिए हल्का हल्का डिजीनेस फील होता है, हल्का सा लगता है कि कुछ चल रहा है। और एक राउंड आप करेंगे, आप ब्लड सर्कुलेशन अपने उंगलियों तक में फील करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं, अभी हमारे साथ हम गलती ना करें। एक बार मेरे साथ 10 बार, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, मेरे साथ 10 बार करें, फिर इसको मैं पूरा कर दूंगा। इससे संबंधित सवाल लेकर के मैं अगले भी चलूंगा। मुट्ठी बांधिए, कमर सीधी कीजिए, आंखें बंद हो, रेडी स्टार्ट, मिलाइए मेरे साथ। पैर फैलाइए, आंखें बंद, इनहेल, इनहेल, धीरे धीरे छोड़िए, ध्यान पेट पर लगाइए, नेबल पर लगाइए, पेट पूरा खाली, देन इनहेल, तीन से पांच बार करने के बाद आप वापस रिपीट करने के लिए तैयार हैं। इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप 6 बार कर सकते हैं, 3 से 6 बार। स्टार्टिंग में 6 बार करें, माने 10 का एक राउंड करें, फिर रिपीट करें, इस तरह से रिपीट करके आप 6 तक ले जाएं, 3 आप स्टार्टिंग में करें। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप कीजिए, हम पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, इससे संबंधित किसी को कोई सवाल लेना है, नेक्स्ट चलो मैं। हाँ, एक लेखानी जी से सवाल है कि अगर जिनको साइनस होता है उनकी ब्रेथ में से एक आवाज आती है जो सामने वाले को भी डिस्टर्ब करती है, तो उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए यही है, आप अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे आप 5 दिन करें,
पांच दिन करने के बाद आप याद करेंगे बटरफ्लाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था और आपका साइनस में फर्क आ जाएगा। अभी जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, कहने की बात नहीं, अभी आपको पूरा खुल गया होगा। बहुत लोगों को क्लींजिंग हो गई होगी जो साथ में कर रहे हैं। कितना अच्छा आप कर रहे थे ब्रीदिंग। और गर्म पानी का सेवन करना है, गर्म पानी पीते रहिए, घूंट घूंट करके पीजिए, भोजन के साथ पानी मत पीना, भोजन के एक घंटे के बाद और भोजन से आधे घंटे पहले पानी मत पीना, भोजन से आधे घंटे पहले गर्म पानी सिप सिप करके पीना। प्रेरित जी पूछ रहे हैं कि जो डिजीनेस होती है उसका क्या रीजन है। बहुत अच्छा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज्यादा होता है और इसमें पंप रेट आपके हार्ट की बढ़ती है। इसीलिए जिनको हार्ट इंजरी है उनको नहीं करना चाहिए। टू सेकंड के लिए होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ब्रेन क्लॉट वालों को नहीं करना चाहिए, भी मैंने पहले बताया था। पहले वाला करें हो, उसमें आपको डिजीनेस फील नहीं होगा। जो ब्रह्म क्रिया का मैंने पार्ट फोर जो साइनस के लिए बताया था वो कोई भी कर सकता है, उससे भी परिणाम पूरा साइनस के लिए आएगा। लेकिन ये उससे एडवांस है, लंग्स वालों के लिए रामबाण है और साइनस वालों के लिए भी। इसमें जो हम 5 टाइम रिलैक्स करते हैं, एक करते ही उनका प्रेरक जी से मैं बात करना चाहूंगा, उनका चला गया होगा, आप पूछ सकती हैं, सबका चला गया होगा। जब हम विश्राम करते ही फ्यू सेकंड का जो डिजीनेस फील होता है वो एक बहुत अच्छा साइन है कि आपने सही से किया है, जस्ट फ्यू सेकंड सर्कुलेशन के कारण और कुछ भी नहीं है। हाँ जी। आप जैसे दौड़ते हैं, आप दौड़ेंगे सांस फूलने लगती है अभ्यास नहीं होने के कारण, इसी तरह से हम कर रहे हैं, आप 5-6 दिन के बाद वो भी चला जाएगा, डिजीनेस भी नहीं फील होगा। हाँ जी। एक नील रश्मि जी से क्वेश्चन है कि साइनस और भस्त्रिका में डिफरेंस क्या है। मुझे लगता है दोनों में 7 सेकंड में, उसको 7 सेकंड में ईच ब्रेथ होता है, इसमें 2 सेकंड में ईच ब्रेथ होता है। बस 1 सेकंड में लेना और 1 सेकंड में छोड़ना, जो मैंने भस्त्रिका दिखाया। और साइनस वाला जो अभ्यास था वो ब्रह्म क्रिया का पार्ट 4 था जो हमने डेवलप किया है, कॉमन आदमी हर व्यक्ति कर सके, इसलिए कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क, प्रेशर उतना ही लगाना है, सब कुछ वो 7 सेकंड में होगा या 2 सेकंड। जी ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। तो अगले के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है ब्रेन के लिए, हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स हो, हम ध्यान में चले जाएं। मेडिटेशन बहुत गहरा विषय है, स्ट्रेस को एकदम खत्म कर देता है, क्योंकि आप विचार से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं। ध्यान करने में और ध्यान लगने में बहुत फर्क है। अभी जितने भी क्लासेस होती हैं, ध्यान लगाना है, आंख बंद करना है, ट्रेनिंग लिया, फिर अभ्यास दिया जाता है कि आप घर में बैठिए, 1 घंटे रोज बैठिए, अभ्यास कीजिए, बैठने का अभ्यास कीजिए, आदत डालिए, ध्यान लग ही नहीं रहा। आंख बंद करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को देख रहे हैं, अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जहां तिलक लगाते हैं उन भगवान को यहाँ ले आ रहे हैं, थोड़ी देर में भगवान ओझल, क्योंकि ध्यान कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है। ध्यान लग जाना, ध्यान डूब जाना वो है ध्यान, और ध्यान करना वो तो रोज प्रैक्टिस करते रहोगे, ध्यान आधा होगा आधा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो आज एक टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, जो आपके स्ट्रेस को एकदम रिलीज करेगा, कम करेगा और मेडिटेशन में ले जाएगा, मेडिटेशन में ले जाएगा आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है, शुरुआत का प्रयोग है, फाउंडेशन है ध्यान का, क्योंकि अभी हम वेबिनार कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है कि इजिली जो आप सीख जाए स्टार्टिंग लेवल, तो इसका अभ्यास करेंगे तो फिर जब एडवांस वाला करेंगे उसमें और ध्यान में आप डूबेंगे, लेकिन इसमें आप बहुत अच्छा कर लेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, आपको 1-2 बोल करके 1-2 बोलना है और अपने ब्रेथ को बाहर की तरफ थ्रो कर देना है। एक बार देखिए, 1-2 बाहर की तरफ थ्रो करना है, फिर सांस लेना नहीं है, आती हुई श्वास को वाच करना है, महसूस करना है,
आप सांस कभी नहीं लेते, सांस शरीर लेता है। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तब आप सांस ले रहे होते हैं, यानी सांस के साथ तब इंगेज होते हैं। बाकी तो सो रहे हैं तो भी सांस शरीर ले रहा है, चल रहे हैं तो भी हमारी बॉडी सांस ले रही है। आप सांस के साथ कहां होते हैं? आप सांस के साथ तब होंगे जब आप सांस को वाच करेंगे। तो यहां वाच करने में आपको ध्यान लगाना है, शरीर सांस ले रहा है, सिर्फ आप वाच करेंगे, वाच और ब्रेथ। जब पूरी सांस आ जाए अंदर बॉडी में, उसके बाद 1 2 मन में गिनना है, 1 2 देन अगेन लाइट स्ट्रोक, माने लाइट थ्रो कर देना है। देखिए ध्यान से, बहुत थोड़ी सी टेक्निक आप समझ जाएंगे, ध्यान में डूब जाएंगे। 1 2 आती हुई श्वास को महसूस करें, पूरी आ चुकी है सांस, 1 2 आती हुई श्वास को देखें, वाच करें, 1 2 मन में काउंट करना है, एंड देन लाइट थ्रो, ऐसा थ्रो हो, इतना लाइट हो, क्विक होना चाहिए, वेरी क्विक थ्रो, एंड देन वाच, थ्रो वाच, थ्रो वाच। वाच करने के बाद 1 2 काउंट करना है, एंड देन थ्रो। तो एक बार सभी लोग आंख खोल करके देखें, मैं 5 to 7 टाइम इसको करता हूं, मैं बोल करके, मैं भी इस ध्यान को, इसका नाम रूपांतरण ध्यान है, इस ध्यान को मैं भी जब करता हूं तो काउंट मन में करता हूं, बोलता हूं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ध्यान से देखें, 1 2 वाच, 1 2 वाच, 1 2 वाच और ब्रेथ, 1 2 वाच और ब्रेथ, 1 2 इस तरह से आप ध्यान में डूब जाएंगे, सांसों के साथ आपका ब्रेन इंगेज हो जाएगा, बाहर की दुनिया से कट जाएगा, धीरे धीरे 1 2 भी भूल जाओगे, अपने आप थ्रो होगा, अपने आप वाच होगा, और इसमें कहीं प्रेशर नहीं लगाना है, सूक्ष्म एकदम गहराई में डूबना है, थ्रो एकदम लाइट, ऐसे छींकने मत लगना, 1 2 बाहर फेंकना है, थ्रो करना है ब्रेथ को एकदम लाइट एंड वेरी क्विक, ऐसे मत करने लगना, 1 2 लंबा, 1 2 प्रेशर लगाना ही नहीं है, नाक पर ध्यान लगाना है, 1 2 वाच योर ब्रेथ, 1 2 वाच योर ब्रेथ, 1 2 वाच योर ब्रेथ, एकदम गहराई में डूब जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हमारे साथ सभी लोग करेंगे, देन इसको मैं पूरा करूंगा, ये रूपांतरण मेडिटेशन पूरी तरह से आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा, और आप अभ्यास करना, क्योंकि ध्यान अलग है, प्राणायाम अलग है, आसन अलग है, क्रियाएं अलग है, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, योग एकदम बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान के बारे में जो अभी मैं एक ध्यान के लिए अलग हम क्लास लेने तो ध्यान ही हो पाएगा, लेकिन जो मैं इतने छोटे में आपको सिखा दे रहा हूं, ये सूत्र है, कहते हैं गुरु जो लंबा रास्ता आप चलते हैं वो छोटे में ही आपको सिखा देता है, फार्मूला दे देता है, तो ये आपको जो मैं फार्मूला दे रहा हूं इसका अभ्यास कीजिएगा, ये 3-3, 4-4 दिन के मैं रिट्रीट में अभ्यास करवा करके तब प्रैक्टिस होती है, तो आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, अभी मेरे साथ 10 बार करेंगे, बहुत ध्यान से, आंखें बंद होगी, अपने स्पीकर ऑन कर लें, सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे, 10 बार मेरे साथ चलेंगे, देन इसको मैं फिर पूरा करूंगा, फिर नी के लिए अभ्यास आपके सामने आएगा, घुटने के लिए
ऐसा अभ्यास आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए अभी इसको हम पूरा करते हैं। आंखें बंद, सिर्फ आवाज को सुनेंगे, मुद्रा में मुट्ठी बंधी हुई होगी। रेडी, 1 2 वॉच योर ब्रेथ, 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 रिलैक्स। इसको आपको ले जाना है 60 ब्रेथ करना है इसी स्पीड में। 1 2 थ्रो वॉच करने में चाहे जितना समय ले लीजिए, आनंद में डूब जाइए। ये सिर्फ आपको मैं 10 बार करके दिखाया हूं। आज जो सीखा है अभी आपने, वो रात को सोने से पहले एक बार कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं, और सवेरे अभ्यास कर लीजिएगा कल। तो आप 60-60 के 5 राउंड करने, 60 किया 60 करना है, क्योंकि ध्यान है इसमें, समय लगाना पड़ेगा स्ट्रेस को एकदम भगाने के लिए और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ध्यान में डूबने के लिए। 60 करने के बाद वही क्रिया फिर से जो हर बार हम करते आए हैं, हर अभ्यास के बीच में पैर फैला लें, दोनों हाथ पीछे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल, इनहेल। 5 बार करेंगे इसको। 5 बार करने के बाद फिर ध्यान रूपांतरण ध्यान जो मैंने सिखाया, 60 बार के बाद फिर से 60 बार रिपीट कर ले। तो इसको 60-60 के 5 आप कर सकते हैं, ध्यान में एकदम डूब जाएंगे। पैर बीच में इसलिए खोलना है क्योंकि सर्कुलेशन आपका वापस ठीक करने, ये जो अलग से हम करते हैं पैर फैला करके, ये आपको स्ट्रेस को पूरी तरह से अलग से भी फ्री करता है। आप थके हो, पूरे दिन परेशान हो, बाहर से आए हो, लॉकडाउन में फंसे हैं, स्ट्रेस पूरा भरा पड़ा है, आप सोफे पर पीछे ऐसे लेट जाइए और पैर फैला लीजिए, आंख ऐसे बंद करिए, गिर जाइए सोफे पर, और ऐसे ही 5 बार लंबी गहरी सांस, यही वाला, इसको हम बोलते हैं सहज उज्जैन, इसका नाम है सहज उज्जैन, उज्जैन नहीं सहज उज्जैन, ध्यान देने की बात है। तो ऐसे आप सोफे पे ऐसे लेट गए, बिस्तर पे लेट गए, कहीं भी गिर गए, और आंखें बंद, लंबी सांस भरिए, इस तरह से 5-7 बार आप करोगे, एकदम ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी, सहज उज्जैन आपको एकदम सहज कर देगा। तो इसको हम आसन के बीच में हर जगह इसीलिए रखते हैं कि जो तनाव आया है आसन में, स्ट्रेस आया है, खिंचाव आया है, वो सब नॉर्मल हो जाए, अगले आसन के लिए, अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। अब इससे संबंधित कोई सवाल अगर है तो ले सकते हैं, फिर मैं घुटने के अभ्यास पे आऊं। योगी जी, मैं एक सवाल पूछूंगी। ये जो बहुत अच्छी बात मैंने शायद मिस कर दिया था, ये जो उज्जैयी आसन है, इसमें जब आप इसमें जब ब्रीथिंग करते हैं तो स्टमक जब ब्रीथ इन करते हैं तो अंदर जाता है या बाहर आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का मैं रोज सामना करता हूँ पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बड़ा भ्रम है कि लंग्स से सांस लेते हैं, छाती से सांस लेते हैं या पेट से लेते हैं। पहली बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए सभी को। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, सभी को लाभ हो जाएगा आपके सवाल से। हम हमेशा लंग्स से सांस भरते हैं, कुदरत ने, नेचर ने लंग्स ब्रीदिंग के लिए बनाया, पेट नहीं बनाया है। जो डायफ्रामिक ब्रीदिंग हमारी होती है, डायफ्राम के इफेक्ट के कारण जब लंग्स खाली होता है तो पेट अंदर अपने आप जाता है। सहज उज्जैन ही सभी में
जब आपकी सांस बाहर होगी पेट अपने आप धीरे धीरे जाता है, आपको करना नहीं है। अगर आप दबाना छोड़ना शुरू करेंगे ना पेट को तभी गड़बड़ हो जाएगा। आपको वाच करना है, एक बार देखिए पेट एकदम अंदर जाएगा और अंदर जाते हुए पेट को आपको देखना है। एक बार ध्यान से देखिए, मुझे देखिए सांस लेते ही सब पूरा शरीर मेरा आगे की तरफ बढ़ गया। लंग्स खाली हो गया, पेट खाली हो रहा है, अंदर जा रहा है क्योंकि लंग्स और खाली होता गया, पेट पूरा देखिए पिचक गया। उसके बाद फिर से सांस ले लीजिए, अपने आप लंग्स फैल गया। जब सांस जाएगी लंग्स फैलेगा, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। इसमें एकदम सिंपल है। और इसमें इस भ्रम में लोग बहुत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है कि योग करते समय पेट अंदर जाना चाहिए सांस लेते समय या बाहर जाना चाहिए। आप नेचर के साथ जुड़िए, यानी नेचुरल होने दीजिए सब कुछ। खाली दृष्टा बन के देखिए पेट, जब सांस अंदर आएगी पेट बाहर ही जाएगा और बाहर ही जाता है। सोते हुए व्यक्ति को देखिए, सोते हुए बच्चे को देखिए, अगर सोया हुआ है तो आप देखेंगे जब उसका उसकी सांस अंदर जाती है तो पेट उसका फूलता है। सांस जब अंदर जाएगी पेट फूलेगा, जैसे सांस बाहर जाएगी पेट पिचक जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत बढ़िया, ये सबके लिए लाभकारी हो गया, आपने बड़ा अच्छा लाभ दिलवा दिया। बढ़िया है। और बाकी सवाल इससे संबंधित नहीं है तो हम बाद में भी ले सकते हैं। जी राइट, हाँ बहुत अच्छा। तो हम अब चेयर लगाएंगे, मैं चेयर पे बैठूंगा। जो घुटने के लिए अभ्यास मैं करवाऊंगा, घुटने के लिए पूरा एक अलग से हमारा 4-5 आसनों का समूह होता है, वो करते हैं। जो जिनकी नी खराब हो गई है, नी में दिक्कत है, नी सर्जरी हो गई है, घुटना क्यों खराब होता है वो भी हमें जानना है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक अभ्यास करवाऊंगा, उस एक अभ्यास, इसलिए आप याद रखें, ज्यादा कराने से एकदम भूल जाएंगे। जैसे साइनस के लिए एक कराया, लंग्स के लिए एक कराया मैंने आपको, और उसके बाद फिर मैंने ध्यानस्थ रूपांतरण मेडिटेशन आपको सिखाया। रूपांतरण मेडिटेशन से आपका ध्यान लगने लगेगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। रोज अभ्यास करना है, एक एक पॉइंट लिया, इनको आप लिखते जाइएगा। अगर एक क्लिप बन जाए, अगर बन रही हो मुझे नहीं पता, तो बटरफ्लाई की तरफ से आपको मिल भी सकती है, तो फिर बाद में कर भी सकते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रहा है वेबिनार। बहुत अच्छा, फिर तो कमाल हो गया। हाँ बिल्कुल, YouTube पे अवेलेबल होगा, हम सबको बताएंगे इसके बारे में जरूर। तो ये तो रोज लोगों को अभ्यास करने का एक आपने अवसर दिला दिया, बहुत अच्छा काम किया। जी जी, तो मनीष जी चेयर लगा दीजिए। और मैं आपको चेयर लगाने से पहले मैं दो चीज बता दूं, घुटना क्यों हमारा खराब होता है। पहले जान लीजिए नी खराब क्यों होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी मसल्स हैं, जैसे जैसे वो वीक होंगी, कमजोर होंगी, तो हमारे ज्वाइंट के ऊपर उनकी ग्रिपिंग, एकदम उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ज्वाइंट के ऊपर मसल्स की ग्रिपिंग या मसल्स की ताकत पावर कम होती जाएगी, वो मसल्स आपके ढीले पड़ जाएंगे, लूज पड़ जाएंगे और खराब होने लगेंगे। पहला कारण है, और लोग अभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते। धीरे धीरे सिर्फ घुटने की ही नहीं, अर्थराइटिस की भी मैं बात करूं। अर्थराइटिस एक तो वंशानुगत होता है, माने अगर पिताजी को है, दादाजी को है तो भी होगा, बहुत सारी बीमारियां होती है। ऐसे ही हड्डियों की बीमारी, ये भी कारण हो सकता है। फिर हमारा आहार विहार भी हो सकता है कारण। लेकिन अगर नियमित आप अभ्यास करें, आपकी मसल्स की ग्रिपिंग आपके घुटने के ऊपर अच्छी हो, तो आपका घुटना कभी नहीं खराब होगा। क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो लोड कहां पर पड़ेगा, मसल्स लिफ्ट कर लेंगे लोड, नी के ऊपर डायरेक्ट लोड नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो पहला काम करना है एक्सरसाइज योगा करते रहना है। नी जिनका खराब हो गया है और रिप्लेस कर लिया है, उनके लिए तो एक्सरसाइज रामबाण है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप कर देगी और मसल्स, नी के ऊपर जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, एकदम डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे। तो उनका नी, जो आर्टिफिशियल नी लगता है, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो नी के बारे में, जॉइंट के बारे में थोड़ा सा हमने जाना, और आहार विहार दिनचर्या साथ के साथ, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, क्योंकि धूप में हम नहीं बैठते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो तो कारण है ही। लेकिन आपने अभ्यास छोड़ दिया है, योग छोड़ दिया है, ये सबसे बड़ा कारण है। आज से ही ये अभ्यास करना चालू कर दीजिए और नी के ऊपर जितनी मसल्स है
उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, ताकत ला दीजिए और आपके एकदम यहाँ के नी ज्वाइंट मजबूत हो जाएगी। ऐसे ही सारे ज्वाइंट को आपको मजबूत करना है। तो आइए हम करते हैं अगला अभ्यास नी के लिए। ऊपर चेयर लगाइए, बस एक सेकंड के लिए हम चेयर पे आते हैं। योगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आ गई होगी आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं चेयर पे बैठ गया और चेयर पे मैं क्यों बैठा, मैं नीचे भी कोई अभ्यास नी का बता सकता था, क्योंकि जिनको नी की समस्या है उनको नीचे नहीं बैठना है, ध्यान रखिएगा। पूरा खड़ा होते हुए पूरा प्रेशर आएगा घुटने पर, आपके बैक पे भी प्रेशर आएगा, और जिनको अर्थराइटिस की परेशानी होती है उनका बैक नी और ज्वाइंट ज्यादा वो सफर करते हैं, उनको तो नीचे नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठना चाहिए तो एक तरह से मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में दो मिनट में और लूंगा इस अभ्यास के बाद, क्योंकि वो सेशन में नहीं है, एक तरह से मेरी तरफ से बोनस होगा, वो नई चीज बताऊंगा, ओनली वन मिनट लगेगा। तो मैं इसलिए चेयर पे बैठा हूं कि नी वालों को ऊपर बैठ के ही अभ्यास करो, सोफे पे बैठ के अभ्यास करो, बिस्तर पे बैठ के अभ्यास करो, जमीन पे नहीं बैठो, मसल्स पुल होने का और नी के ऊपर जोर लगने का, झटका लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका नी रिप्लेस हो गया है उनको तो नीचे बैठना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने चेयर वाला सिखा रहा हूं आपको। और एक ब्रह्म क्रिया की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ब्रह्म क्रिया ये फाइव एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, वो भी आप रोज करते रहिएगा, आधे घंटे योग के बराबर लाभ देता है, सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड में जो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया। तो वो मैं आपको लिंक भेजूंगा बटरफ्लाई को, तो फिर आप दे सकती हैं। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, पहले अच्छी तरह से देख लें, दाहिना हाथ राइट हैंड राइट नी के ऊपर, उसके ऊपर आपको लेफ्ट हैंड को रखना है इस तरह से, कमर सीधी हो, लंबी सांस। अच्छा, पीछे बैठना है कि आगे बैठना है, सबसे बड़ा सवाल है कि हमें आगे बैठना है या पीछे बैठना है, एकदम पीछे बैठना है। अगर कुर्सी पर बैठ करके आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर तो आगे बैठ के कीजिएगा जब प्राणायाम करते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे कुर्सी पर तो आपको एकदम पीछे बैठ के करना है, एकदम पीछे बैठ के, ऐसे टेप नहीं लगाना है, लेकिन अपनी थाइज को हिप को पीछे रखना है, कुर्सी का सहारा नहीं लेना, बस जमीन पर पैर टिके होने चाहिए, थोड़ा सा लैपटॉप का थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, हल्का सा सिर न कटे, बस बस जमीन पर पैर टिका होना चाहिए। आप देखिए इस तरह से राइट हैंड यहां रखिए, इसके ऊपर दूसरा हाथ, कमर सीधी, लंबी सांस भरते हुए पैर को उठाना है और 5 काउंट करना है, टोच को अंदर खींचिए, घुटने को दबाइए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे जमा दीजिए, फिर से सांस भरिए, 1 2 3 4 5, घुटना जितना दबा सके, टोच को जितना खींच सके, कमर झुकाना नहीं, कमर को टाइट रखना, 1 2 3 4 5, 3 बार हुआ, सांस भरिए, 1 2 3 4 5, 4 बार हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ, 5 बार राइट साइड और 5 बार लेफ्ट साइड। इसमें ध्यान रखना है, जब आप दबाएंगे तो बहुत ध्यान रखना है, बताता हूं मैं क्या करना है। अब लेफ्ट लेग से करने के लिए लेफ्ट हैंड का प्रयोग, उसके ऊपर राइट हैंड, बैक स्ट्रेट, लंबी सांस भरिए, इसमें क्या गलती करेंगे आप, ऐसे करो, ऐसे मत करना,
सीधा रहना, पूरी ताकत सिर्फ हाथ से लगाना, पंजे टोच को खींचिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 बार हुआ, 1 2 3 4 5, 4 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ, 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। शुरुआत में 5 मार्क्स करना, बाद में इसको 10 और 10 करना, 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट, और ब्रेथ को 5 सेकंड ही होल्ड करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब अभ्यास हो जाए आपका 1 महीना 2 महीना, तो धीरे धीरे होल्ड का टाइम बढ़ा सकते हो, 10 सेकंड तक ले जा सकते हो। और स्टार्टिंग में 15 दिन करने के बाद आप यहां पर अपने एंकल में आधा किलो का वेट बांध सकते हो, यानी वेट बांध करके 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है पंजे को आगे नहीं करना, और दबाते समय ऐसे मत करना, कमर सीधी रहे, इन चीजों का ध्यान रखना, गर्दन को ऐसे करके मत करना, इन चीजों का ध्यान रखना। तो आप सीख चुके होंगे, एक बार समय कितना लगेगा, एक बार करने में आपको 5 सेकंड एंड उठाने में 1 सेकंड, छोड़ने में 1 सेकंड, और होल्ड करने में 7 सेकंड एक बार में लगेगा, 7 सेकंड ओनली। तो 30, अगर 5 बार करते हैं तो 35 सेकंड लगेगा, 35 सेकंड इधर, 35 सेकंड इधर, और इसको आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर 2 बार भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 3 बार करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। सुबह शाम जरूर कीजिए, एक बार हमारे साथ सब लोग कीजिए, 35 सेकंड 35 सेकंड। चलिए एक साथ करना है, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि कैमरे पे बैठे हैं तो मैं अभी मेरा स्क्रीन सिर्फ मेरे को, मैं अपने स्क्रीन को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ग्रुप में क्लास लेता हूँ, मेरे सामने हजारों लोग होते हैं, तो वहां भी लोग गड़बड़ करते हैं, करते नहीं है, टेढ़ा करते हैं, आंख बंद करने के लिए वो लोग आंखें सब बंद करें, लंबी गहरी सांस करें, लेफ्ट ऐसे आंख खोल लेते हैं बीच बीच तरह से, फिर बोलता हूं तो फिर सोचते हैं योगी जी देख रहे हैं। तो मैं देख तो नहीं रहा हूं, आपके स्वास्थ्य के लिए आप अच्छा कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ चलना है, अभी आंख खोल के करना, आंख बंद नहीं करना है, मेरे को देखते हुए राइट हैंड को रखिए, उसके बाद लेफ्ट को रखिए, कमर सीधी, मेरे साथ लंबी सांस भरिए, 1 2 3 4 5, एक 1 2 दबाइए, 3 4 5, भरिए सांस ताकत के साथ, 1 2 3 4 5, 3 1 2 ताकत लगाइए, 4 5, 4, 1 2 3, ताकत दोनों हाथ से, 4 5, चेंज लेफ्ट हैंड, इसके ऊपर राइट हैंड, इनहेल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5, 3, साथ में सांस भरें, एक साथ, 1 2 3 4 5, घुटने को दबाना है, 1 2 3 4 5, एक बार और कर लीजिए, सांस भरिए, 1 2 3 4 5, परफेक्ट, बहुत बढ़िया किया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो नी के लिए एक अभ्यास मैंने कराया, एक ब्रह्म क्रिया में भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो 3.25 मिनट की ब्रह्म क्रिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हट करके टाइमिंग चेंज किया उसमें, तो वो आप ही कीजिएगा। और अब मैं आपको लास्ट फाइनल इसका क्वेश्चन लूं, 1.5 से 2 मिनट का एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी भर लाइफ में काम आएगी, ऐसा चीज ना आप जानते होंगे ना सुना होगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा लैपटॉप को, पीछे कीजिए। देखिए जब हम नीचे बैठे तो कैसे बैठना है, बैक पेन हमको होने लगता है, लोग नीचे बैठते हैं पता नहीं होता ऐसे बैठते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को बैक पेन एक बार हो जाता है, ठीक नहीं होता अपनी इस आदत के कारण, उठने बैठने की आदत के कारण ऐसे बैठते हैं, जब बैठना होगा पूरा मसल्स
में दर्द हो गया, मैं कुर्सी पर बैठकर इसीलिए आपको कराया था, थोड़ा सा ऐसे पीछे हल्का सा ऐसे लेटा हूं दूसरी साइड जी। तो अगर आपको उठना हुआ, पूजा में आध्यात्मिक कार्य में आपको बैठा दिया जाता है कि नीचे ही बैठना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कितने सारे योगा टीचर्स बोलते हैं नीचे बैठ के योगा होगा, कभी योगा किया नहीं, स्टार्टिंग करने जा रहे हो और सबसे पहले नीचे बैठ के करा दिया, उसकी मसल फूल हो गई, बैक पेन हो गया, तो आपको सीखना है पहले बैठने के लिए, कभी बैठा नहीं तो आप पहले सीखना है उठना कैसे है, ये ध्यान रखिए। उठते समय अभी मैं दिखा रहा हूं रॉन्ग वाला, ऐसे उठते होंगे सभी लोग, ऐसे उठते हैं इस तरह से पूरा खींच गया, और जिनको बैक पेन है उनके लिए तो बहुत दिक्कत होती है, उनको तो नीचे बैठना ही नहीं चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अब उठना कैसे वो देखिए बहुत ध्यान से, अगर आपको उठना है, अगर बैठ गए हैं स्वस्थ लोग जो हैं उनके लिए एक पैर आगे कीजिए, दूसरा हाथ यहां रखिए, जिधर आपने पैर सीधा किया उसके अपोजिट हाथ रखिए, और ऐसे आते हुए ऐसे खड़े हो जाइए, देखिए मसल्स में कोई प्रेशर आया ही नहीं। अब बैठना है आपको बहुत सिंपल, जैसे उठे थे आप, एक पैर आगे, एक पैर आपको आगे करना है, हाथ यहीं रखिए, इस घुटने को नीचे कीजिए, देखिए इस तरह मेरे साथ करके देख सकते हैं, ऐसे बैक पे कोई असर नहीं होगा, ऐसे किया आपने, फिर दोनों हाथ का सपोर्ट लिया और हिप को नीचे रख दिया, पहले आप ऐसे उठते थे, हाथ पकड़ ले, सोचते हैं पकड़ ले, पूरी मसल्स फुल हो गई, ये हो गया उठना बैठना, आपके लाइन पर काम आएगा, अगर नीचे बैठने की जरूरत पड़ती है आपको तो, बैक पेन वाले नहीं बैठेंगे। अब दिन भर थके हुए आए हो आप, पूरी तरह से परेशान, बेल्ट लगाया हुआ है, डॉक्टर ने बोला है नीचे नहीं बैठना है, बेड पर समझ लीजिए बेड है, बेड पर बैठ गए, बेल्ट खोल दिया, मसल्स फुल होने से पूरा दिन बचाया, और ऐसे गिरते आप थके हैं, सारा पूरा दिन भर जो बचाया था एक बार में झटका मार दिया, सारा खराब कर लिया, रात भर नींद आई सो गए, अब उठते कैसे हैं देख लीजिए, बैक पेन वालों के लिए तो खतरा है ही, रोज ऐसे करते हैं, जो लोग करते होंगे सही ठीक बात है, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे होंगे, तरीके से उठते होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं वो सीख लें, मैं बताने जा रहा हूं सही तरीका क्या है। अगर आपको बैक पेन है तो भी, नहीं है तो भी, उठने और बैठने का सही तरीका क्या है वो देखिए, बेड पर बैठ गए, आराम से सिर इधर है, तकिया इधर है, आराम से दोनों हाथों को तकिए की तरफ रखिए और ऐसे सरकाइए और पैर को ऐसे खोलिए इस तरह से, रात भर सोए हैं आप, आंख आपकी खुल रही है, ऐसे कभी नहीं उठना है, राइट लेग को मोड़ना है, राइट लेग को मोड़ना है, लेफ्ट साइड ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ का सपोर्ट लीजिए और बैठ जाइए, जिंदगी में आपकी मसल्स फुल नहीं होगी। आपको दो ऐसे तरीके मैंने बताए हैं आपकी जिंदगी में काम आएगा, और सुबह जब आप उठते हो आपका ब्रेन एकदम सोया रहता है, मसल सोई रहती है, वेट लिफ्ट नहीं करती है, ऐसी स्थिति में जब आप उठते हो ना तो क्या होता है, ब्रेन को पता नहीं चलता, कभी चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, आपको देखते नहीं कल कब लगा पता ही नहीं, क्योंकि ब्रेन आपके साथ नहीं था। ऐसे ही सवेरे होता है कि आप झटका तो दे देते हो और जब दिन चढ़ता है 9-10 बजते हैं तो पता चलता है मेरे बैक में आज क्या हुआ, क्योंकि सवेरे के झटके के कारण हुआ, मसल्स फुल आपकी हो जाती हैं। योग में हमेशा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, योग करते समय सावधानी से करना है, अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है, और बटरफ्लाई आयुर्वेद को मैं धन्यवाद करूंगा कि इतना अच्छा सेशन आपके लिए आयोजित किया, मेरे अंदर मैंने जितना मेरा बेस्ट था मैंने कराया, इसमें अच्छा कहीं गलती कुछ रही हो तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं कि और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो आपको अगला सेशन और अच्छा मिलेगा। इस पे वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, 2-4 दिन अभ्यास कीजिए, आपने अभी समय लगाया है, टाइम दिया है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए रोज अभ्यास करना, और ये वीडियो आपको मिलेगा। कोई सवाल है तो पूछिए। योगी जी थैंक यू सो मच, ये सेशन बहुत बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत जानकारी मिली,
और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो जरूर प्रैक्टिस करेंगे. अब वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम, लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. So I request the participants कि अगर कोई बहुत important question है, वैसे भी योगी जी ने हर चीज को detail में इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन अगर कुछ important question अभी भी है तो आप please पूछिए. एक question जो पहले थोड़ा सा miss हो गया था. हाँ हाँ जरूर जरूर. कि ये पायल जी का था, जब हम साइनस की और लंग्स की हम वो कर रहे थे क्रियाएं, तो इन्होंने कहा था कि कान के पीछे जो नस है उस पे बहुत दर्द होता है, हो रहा जी, है जी. अच्छा, और करने के बाद हो रहा है कि पहले से होता था? पायल, इफ यू आर स्टिल देयर, कैन यू आंसर दैट? मेरा ये क्वेश्चन से संबंधित ये बात मेरे को पूछनी है कि इनको पहले से कब से रहता है, या इस क्रिया के करने के बाद हुआ है या करते समय हुआ है, ये मेरा प्रश्न है. प्रश्न का ये पहले से है, पहले से है. हाँ जी. तो इनके लिए जो ब्रह्म क्रिया इन्होंने किया है साइनस वाला, ये धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, नसों में रुकावट आती है यानी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तभी दर्द होता है. कहीं सुन हो जाना, दर्द होना कहीं भी किसी भी पार्ट में, और कान में सुनाई कम देना, हमारी बारीक बारीक वेन्स होती हैं, उसमें ऑक्सीजन का फ्लो चलता रहता है, सर्कुलेशन ब्लड का होता रहता है, धीरे धीरे वो ड्राई होने लगती है तो सुन हो जाता है और सूख जाता है. तो आपको क्या करना है, इस ब्रीदिंग से धीरे धीरे अपने आप ऑक्सीजन लेवल फैलेगा और ठीक होगा. और एक एक्सरसाइज बताता हूं, आप इस तरह से भी कर सकती हैं, मुंह खोलना और बंद करना, ये पूरा सारा यहां से लेकर के यहां तक की पूरी एक्सरसाइज है. आप 10-10 बार कीजिए रोज, तो इस तरह से आप ठीक हो जाएंगे. ये ब्रह्म क्रिया और ये भस्त्रिका करते रहिएगा जी. दूसरा सवाल हमारा है कि नी एक्सरसाइजेस क्या बीपी वाले लोग कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हमने 5 सेकंड का ब्रेथ होल्ड किया, 10 सेकंड का नहीं किया, तो आप कोई भी कर सकते हैं. और ब्रेथ होल्ड करके ही करना है, तभी फायदा होगा. ज्यादातर ब्रेथ होल्ड करके नहीं, एक्सरसाइज नहीं लोग करते, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है. जब हम सांस ले करके ऐसे भी अगर मुट्ठी बांधे तो सारे मसल्स में ताकत आती है, मसल्स की यूनिटी बनती है, इसलिए सांस रोक करके ही करना, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं करना, इसलिए बीपी वाले कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन है हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि जिसको हार्ट और लंग्स दोनों की प्रॉब्लम है तो उनके लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा होगा? अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, वो आप देखिएगा हमारे, अगर यूट्यूब फॉलो करते हैं तो वहां देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो बना करके बटरफ्लाई मैंने आपको मैं भेज दूंगा, आप अनुलोम विलोम का आप सर्कुलेट कर. बिल्कुल जी, क्योंकि समय नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैं मैटर ही दे दूंगा पूरा जी. हाँ जी, आंखों के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है? आंखों के लिए ओम मां का नाद करना है. ओम में 2 तरह का ओम होता है, एक ओ मां भी पूरा करना है, दूसरा है ओ इससे स्टार्ट करना है और मां ही बोलना है. ए सबसे बढ़िया है आंख के लिए, कान के लिए, ब्रेन के लिए, याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, जो मैं दिखाने जा रहा हूं. ओम और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं आईज के लिए. गाजर खुद खाइए, जितना गाजर खाएंगे आंख की रोशनी बढ़ जाएगी. लास्ट क्वेश्चन जी, जो आज आपने सिखाया क्या वो कैंसर के लिए इफेक्टिव है? कैंसर
रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ जाती है, फाइट करने की ताकत मिल जाती है। और आपको मैं बताऊं, मैं नाम लेके बताना चाहूंगा, एक हमारे डॉक्टर हैं, हमारे डिओटी हैं, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर नितिन दोषी, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल भी जाएंगे। ट्रिपल MD हैं, अभी नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, मेरे से योग सीखते हैं और हम जाते हैं तो मेरे लिए प्रोग्राम आयोजित करते हैं। कैंसर पेशेंट को अपने पास रखते हैं और जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसकी लाइफ जो है सिर्फ 2-3 महीना बची है, उसको रखते हैं उसके कंसर्न पर, और वो जिंदा 9-9 साल कैंसर के पेशेंट हैं, क्योंकि हम लड़ सकते हैं, अपनी ताकत डेवलप कर सकते हैं, डिटॉक्स हो सकते हैं, सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्राणायाम और योग से। जितना बताया हूं सब कैंसर के लिए ही नहीं, सारी बीमारियों में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आया है कि मेरी स्पाइन की आखिरी हड्डी में 2 हेयरलाइन फ्रैक्चर है। जी। मैं कब से योग शुरू कर सकता हूँ? आप सारे प्राणायाम, योग मैं फिर से बताऊं, सिर्फ आसन नहीं है योग, योग में आप प्राणायाम कर सकते हैं, यानी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के सारा योगा कर सकते हैं, हमारी पूरी ब्रह्म क्रिया कर सकते हैं। आप नीचे नहीं बैठना उठना है, बैक को संभाल करके करना है, लेकिन जो बताया आपको ब्रह्म क्रिया और जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सब आप कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच योगी जी, बहुत ही बढ़िया रहा ये वेबिनार, एंड वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम इतने क्वेश्चंस अभी नहीं ले सकते, लेकिन आपको अगर और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें लिखिए balance@butterflyayurveda.com पर, और हम आपके क्वेश्चंस योगी जी को जरूर फॉरवर्ड करेंगे और आपको जरूर रिप्लाई बैक करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि हम योगी जी के साथ एक और वेबिनार जल्दी ही फिर से स्केड्यूल करेंगे। करते रहिए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको, बटरफ्लाई आयुर्वेद को बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आपने बड़ा नेक कार्य किया है, लोगों को लॉकडाउन में योग करवा के इतना अच्छा काम किया है कि लोग स्वस्थ होंगे और किसी को जीवन देना, स्वास्थ्य देना और कोरोना से भी बच पाएंगे, क्योंकि अब मजबूत होंगे, तो इससे बड़ा तो कोई उपकार नहीं हो सकता है। थैंक यू योगी जी। योगी जी, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिससे मैं आपके मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। Yes, Yogi ji has been associated with Manav Mandir Mission Trust for over 23 years. क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? मैं तो देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी, Yogi ji has been associated with Manav Mandir Mission Trust for over 23 years. The trust runs an orphanage for young children and old mothers, as well as an Ayurvedic clinic. During this pandemic, the organization is cooking and providing over 4,000 fresh meals regularly to daily wage workers and to the homeless. It is also distributing free medicines to patients of BP, cancer, HIV, suffering from kidney problems and diabetes during this quarantine. You can join them in this service. Please take a look at the link in the chat box for further details. Donations made by you will be absolutely tax-free under Section 80G. We would really appreciate your support. The account details are also given. If you want to, you can click a photo here to keep them with you. Otherwise, they can be shared later on also. बहुत अच्छा आपने जो शेयर किया हमारे बारे में, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था है कभी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेती है, और बटरफ्लाई आयुर्वेदा कितने
सालों से पूरा बटरफ्लाई आयुर्वेद का पूरा परिवार हमारे साथ हेल्प करता है, सहयोग करता है, और हम लोग पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारा गोल और मिशन सेवा है और लोगों के सहयोग पे चलता है। जरूर जुड़िएगा, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद योगी जी, थैंक यू सो मच। Lastly, I would like to thank you all for attending this webinar and making it a big success. I'm sure each one of you enjoyed it. This is a little initiative by my marketing team. You can take a photo of yourself while practicing any asana you learned today or of your daily workout and share with us on the WhatsApp number given. The most engaging photo or video will win an immunity booster pack by Butterfly Ayurveda. Last but not the least, stay tuned for the next live webinar on 22nd of May. This one will be a live video chat with Dr. Prerna Kohli, Akshay in conversation with Dr. Prerna Kohli on mental health. Stay tuned. It was lovely to do this webinar with all of you. Have a fantastic evening. Thank you.